हेलो फ्रेंड्स, स्माइली क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं जीके। जीके में टॉपिक है नए राज्यों का गठन वर्ष। हम यहाँ कंपटीशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। यहाँ हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं नए राज्यों का गठन वर्ष। तो आइए देखते हैं कौन सा नया राज्य इसका गठन वर्ष कब हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे राज्य और यहाँ पे गठन वर्ष है, ओके। तो फर्स्ट है आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष है 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो गठन वर्ष है 1 अक्टूबर 1953 को। महाराष्ट्र का जो गठन वर्ष है वो 1 मई 1960 को है, ठीक है। गुजरात का जो गठन वर्ष है वो भी 1 मई 1960 को ही है। नागालैंड का जो गठन वर्ष है वो 1 दिसंबर 1963 को है। कब है? 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का जो मतलब गठन वर्ष है वो 1 नवंबर 1966 को है, ओके। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का जो गठन वर्ष है वो है 25 जनवरी 1971 को, ओके। नेक्स्ट है मेघालय का जो गठन वर्ष है वो 21 जनवरी 1972 को है, ओके। नेक्स्ट है मणिपुर का जो गठन वर्ष है वो 21 जनवरी 1972 को है, ओके। नेक्स्ट है त्रिपुरा का जो गठन वर्ष है वो 1 जनवरी 1972 को है, ओके। नेक्स्ट है सिक्किम का जो गठन वर्ष है वो 26 अप्रैल 1975 को है, ओके। नेक्स्ट है मिजोरम का जो गठन वर्ष है 20 फरवरी 1987 को है, ओके। आगे भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश इसका जो गठन वर्ष है वो 20 फरवरी 1987 को है, 20 फरवरी 1987 को, ओके। उसके बाद है गोवा का जो गठन वर्ष है वो है 30 मई 1987 को, ओके, गठन वर्ष। उसके बाद है नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का जो गठन वर्ष है वो है 1 नवंबर 2000 को, ओके। उत्तराखंड का जो 27वां ये गठन वर्ष है वो 9 नवंबर 2000 को है, ठीक है। उसके बाद झारखंड का जो है वो 15 नवंबर 2000 को है, ओके। नेक्स्ट है तेलंगाना का जो गठन वर्ष है वो 2 जनवरी 2014 को है। यहाँ पे कैमा है वो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हमने जाना कि नए राज्यों का गठन वर्ष कब हुआ था, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही आज के लिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।